हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर लाइफ स्टाइल। और आज मैं दिवाली का कुछ प्रिपरेशन शेयर कर रही हूँ, हालांकि बहुत दिन बाद ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले दिवाली में सबसे पहले जो नंबर आता है गाइज, वो है मंदिर। तो मंदिर में नॉर्मली फ्लावर लगाती हूँ, आर्टिफिशियल फ्लावर। अगर आप नहीं लगाते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर, और ये सीप की लड़ियाँ हैं, ये मेरा पहले से मैं लगा के रखती हूँ, हमेशा लगा के रखती हूँ। अगर आप नहीं डेकोरेट करते हैं तो दिवाली के टाइम पे तो आप ज़रूर डेकोरेट कर दें, और इसको लाइट से भी डेकोरेट कर दें। हम लाइट को बाद में लगाए थे, और वो मैं वीडियो आप लोगों को बाद में शेयर करूँगी कि लास्ट टच दिवाली का क्या था। इसके बाद सेकेंड आता है सोफ़ा। मैं अपने घर का जो मैं डाइनिंग हॉल का ही अपना ये दिखा रही हूँ आपको कि मैंने क्या चेंजिंग किया है। रूम में भी चेंजिंग किया था, उसका मैं नहीं बना पाई हूँ वीडियो। तो देन सेकेंड नंबर आता है सोफ़ा का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने अपना सोफ़ा कवर चेंज कर दिया था, कुशन कवर चेंज कर दिया था, और देन ये जो रेड और ब्लू आप देख रहे हैं वो मैंने डेकोरेट किया था। और ये एक DIY है, और ये एक्चुअली ब्लाउज का पीस था जिसको मैंने एज ए रनर बना के और इसको मैंने डेकोरेट किया था सोफ़ा को। इससे मैं बहुत अच्छा लुक आया था। और गाइज ये थर्ड नंबर आता है कि फोर्थ नंबर आता है हमारा कि टेबल डेकोरेशन का। तो जैसे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स आप रख लीजिए, और चूँकि दिवाली है तो कैंडल तो जलाएंगे ही, बट मैं प्रीफर करती हूँ अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप रियल कैंडल ना जला के बैटरी ऑपरेटेड कैंडल लीजिएगा, ताकि बच्चों के जलने का डर नहीं रहेगा। क्योंकि हम पूरे टाइम पे मतलब केयरफुली हम देख नहीं पाते हैं, तो उससे क्या रहेगा, थोड़ा सा वो डेंजरस होता है। और दिवाली के पहले या फिर घर में तो मैं सोचती हूँ कि अगर बच्चों के रिच में कुछ भी है तो वहाँ बैटरी ऑपरेटेड कैंडल ही आप प्रीफर करिए, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो। मेरा बेटा छोटा है इसलिए मैं बैटरी ऑपरेटेड कैंडल ही नीचे रखी थी। एक मिस्टेक मुझे दिवाली के दिन हो गई थी कि 3-4 जो कैंडल होल्डर थे उसमें मैंने रियल कैंडल रख दिया था, जिसमें मेरे बेटे ने हाथ रख दिया था। थैंक्स गॉड की कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और भी बहुत कुछ रख के आप टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं, और दिवाली के दिन अच्छे से आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये है घर के कर्टन, अगर पॉसिबल है तो आप अपने घर के कर्टन चेंज कर दीजिए। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि कर्टन खरीद के चेंज करिए, कुछ ऐसे आपके पास कर्टन होंगे जो आप फेस्टिवल के वजन में लगाते होंगे वो भी लगा सकते हैं। एक्चुअली मैं तो पूरा ये नया मैंने लिया था नया सेट, और ये काफ़ी प्यारा लग रहा था, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, और ये मैंने चेंज किया था। पूरे घर का मैंने कर्टन चेंज कर दिया था, और पॉसिबल हो तो बेडशीट वगैरह आप चेंज कर लीजिए, और अगर पॉसिबल होगा तो मैट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, जितना हो सकता है उतना हम करेंगे। और देन और ये कर्टन हमने अमेजोन से लिया था, और बहुत अच्छा लगा, दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा लगा था। और आने से पहले हमें डर लग रहा था, क्योंकि हमको ब्लैकआउट कर्टन चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी आती है हमारे घर में। तो बहुत अच्छा, मतलब मेरा दोनों पर्पस सॉल्व हो गया। एक तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा दोनों को, और ब्लैक आउट है ये रेड वाला नहीं जो ब्राउन है। और इसके बाद आप कुछ लैंप, वॉल लैंप और फ्लोर लैंप, टेबल लैंप, मतलब ऐसा इस टाइम पे आप लगा सकते हैं आपके घर में है तो, उस टाइम पे आप मतलब कि थोड़ा सा दिवाली से पहले आप उसको मतलब प्रॉपरली आप यूज करेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा लुक आ जाएगा फेस्टिवल का। और ये देखिए, ये लैंप दिखाने में हमने अपना फ़ोटो देखा है, ये राधे का बचपन का फ़ोटो है, इसमें मैंने उसको फ्रॉक पहनाया है। और ये सेकेंड फ़ोटो हम जब गए थे कन्याकुमारी वहाँ का है, उस टाइम पे आराध 5 मंथ का मतलब होने वाला था। और ये कुछ कैंडल होल्डर है, दिवाली के दिन तो आप बहुत ज़्यादा जलाते हैं, दिवाली से पहले थोड़े बहुत कैंडल होल्डर में वही बैटरी ऑपरेटेड कैंडल आप लगा के रख सकते हैं, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मतलब फेस्टिवल आता है तो उसका लुक देते हैं तो घर थोड़ा चेंज हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। और घर का थोड़ा सा ही आप चेंजिंग कर दीजिए तो पूरा घर का लुक चेंज हो जाता है, बदला फ्रेश फील होता है खुद को भी। और इस टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है, जब हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा सा चेंजिंग अगर आप हमेशा करिए, अगर पॉसिबल है तो अच्छा है। और ये देखिए, ये कैंडल होल्डर में सब में मैंने बैटरी ऑपरेटेड कैंडल लगाए है, ये टेबल लैंप है, इसको वैसे भी हम जलाते हैं,
नॉर्मल टाइम में भी। और इसके बाद फिर हो गया, क्योंकि दिवाली है तो ये दिवाली तो होता ही है रोशनी का, तो इसमें जितना ज़्यादा आप इंक्लूड करेंगे इसको अच्छा लगेगा। और एंट्रेंस पे हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो ये छोटा सा टेबल हमने ऑनलाइन ही लिया था, अमेजोन से लिया है, अच्छा है, वुडन टेबल है। इस पे मैंने नेचुरल फ्लावर, ओरिजिनल फ्लावर ही लगाया है। और ये जो फ्लावर पॉट्स हैं इसमें मैं कुछ एक्चुअली उस टाइम पर लगा नहीं पाई, बाद में सोचा लगाऊंगी और अभी तक नहीं लगा पाई हूँ, कुछ इसमें सोच रही हूँ लगाने के लिए। ये सारे DIY हैं और इसको मैंने मतलब घर पे बनाया हुआ है और अच्छा लगता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप ख़रीद के ही वो करो, DIY भी बना के थोड़ा सा आप वो डेकोरेट कर सकते हैं इसका। मतलब आप लोग बताइएगा वीडियो में कैसा लगा, नहीं पता है, लेकिन रियल में बहुत अच्छा लग रहे हैं ये सारे फ्लावर पॉट्स। तो गाइज बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये जस्ट मेरा एंट्रेंस है, मेरे घर का एंट्रेंस है। तो गाइज फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड्स जाते जाते बोल रहे हैं, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। और गाइज बाय बाय, सी यू सून।